वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 महामुकाबले के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कर दिया खतरनाक भारतीय प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में अक्षर पटेल सहित इन सिरों को बाहर फेंक कर सबको चौंका डाला। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा टी20 महामुकाबला खेला जाने वाला है। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दूसरा टी20 महामुकाबला कब खेला जाने वाला है, भारत समय अनुसार इसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है, अब तक भारत और वेस्टइंडीज के टी20 इंटरनेशनल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरे टी20 महामुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव कर दिए, साथ ही कौन सी घातक 11 सिरों का ऐलान किया है, सब कुछ। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, दूसरा टी20 महामुकाबला भारतीय टीम जीतकर वापसी कर पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां आप 5 मैचों की टी20 श्रृंखला शुरू हो चुकी है। पहला टी20 महामुकाबला जो कि 3 अगस्त को तारोबा के मैदान पर खेला गया, तो उसमें भारतीय टीम को रोमांचक तरीके से अंतिम ओवर में 4 रन से हारना पड़ा था। इस महामुकाबले में हारने के साथ ही भारतीय टीम अब टी20 श्रृंखला में पिछड़ गई है। इसके बाद अब दूसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय कप्तान की और कोच की कोशिशें होंगी कि भारतीय टीम वापसी करे और शानदार जीत हासिल करे। ऐसे में वेस्टइंडीज को चौंकाने के लिए दूसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत को तय करने के लिए 11 भूखे शेरों का ऐलान करते हुए भारतीय कोच ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल द्रविड़ ने सबको चौंका दिया है। तो आखिरकार उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्लेइंग 11 का जिक्र किया है उसके बारे में आपको बताया, तो उससे पहले इस महामुकाबले के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा टी20 महामुकाबला 6 अगस्त 2023 यानी कि दिन रविवार को खेला जाने वाला है। इस महामुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे से होने वाली है। इसके लिए टॉस रात को 7:30 से फेंका जाएगा। इसके अलावा यह महामुकाबला गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाने वाला है। वहीं पर हम अगर भारत और वेस्टइंडीज के इस महामुकाबले से पहले इसकी पिच रिपोर्ट की बात करें, तो इस पिच पर जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है टी20 में वह ज्यादा जीतती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टीम अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 26 महामुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 17 महामुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं, जबकि 8 महामुकाबलों में पिछले महामुकाबले सहित वेस्टइंडीज ने बाजी मारी है। एक महामुकाबला बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुआ था, 8 भारतीय टीम ने भारत में और 4 वेस्टइंडीज ने वेस्टइंडीज में जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भले ही आंकड़ों के हिसाब से मजबूत नजर आ रहा हो, मगर पहले टी20 महामुकाबले में जिस तरीके से वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी करके अपने लोअर स्कोरिंग महामुकाबले को जीता है, उससे अब भारतीय टीम को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ दूसरे महामुकाबले में भारतीय टीम में कोच राहुल द्रविड़ बौखला गए हैं और अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घातक प्लेइंग 11 का चुनाव कर लिया है, जहां प्लेइंग 11 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन के हाथ में होने वाली है। जहां पर सबसे पहले ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं और इससे पहले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में वो शानदार लगातार 8 शतक मार चुके हैं। उससे पहले टेस्ट श्रृंखला के आखिरी टेस्ट में भी उन्होंने 8 शतक लगाया था, तो उनके फॉर्म पर शक नहीं किया जा सकता है। पहले टी20 महामुकाबले में उन्होंने 9 गेंदों में 6 रन बनाए थे, मगर एक महामुकाबले में कम अगर कोई चला जाता है तो उससे उसके प्रदर्शन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी टी20 महामुकाबले में वह खतरनाक वापसी करने वाले हैं। शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल बेहद शानदार खिलाड़ी है और दूसरे टी20 महामुकाबले में उनके बल्ले से अच्छे खासे रन निकल सकते हैं। दरअसल भले ही हुआ इस दौरे पर ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, इससे पहले खेली गई वनडे श्रृंखला के आखिरी वनडे में उन्होंने 85 रन की जो पारी खेली थी वह बताता हुआ फॉर्म में है। पहले टी20 महामुकाबले में 3 रन पर आउट हुआ है, मगर दूसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के और दुनिया के नंबर 1 टी20 खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सूर्यकुमार यादव बेहद अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वनडे श्रृंखला में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पहले टी20 महामुकाबले में उन्होंने 21 गेंदों में 21 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद वह आउट होकर चले गए थे। मगर अब दूसरे टी20 महामुकाबले में मिडिल ऑर्डर में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो ऐसे में वह खतरनाक वापसी कर सकते हैं। चौथे स्थान पर आपको फिर से एक बार तिलक वर्मा का तूफान दिखाई देने वाला है, जहां पहले टी20 महामुकाबले में तिलक वर्मा भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 22 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर उन्होंने 39 रन की जो पारी खेली थी वह भारतीय टीम को जीत के नजदीक ले गई थी। इसके अलावा आपको 5वें स्थान पर संजू सैमसन की खतरनाक बल्लेबाजी दिखाई देने वाली है। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर हार्दिक पांड्या ने फिर से भरोसा जताया है और 5वें स्थान पर उनको खिलाया है, जहां संजू सैमसन पिछले महामुकाबले में रन आउट होकर 12 रन पर चले गए थे। मगर उससे पहले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के आखिरी वनडे में जब उनको मौका मिला उन्होंने 51 रन की जो 68 की तूफानी पारी खेली थी वह बताती है संजू किसी मुकाबले को मिडिल ऑर्डर में आकर पलट सकते हैं। 6वें स्थान पर कप्तान हार्दिक पांड्या स्वयं खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां हार्दिक पांड्या पर अब जिम्मेदारी होने वाली है कि उनको अच्छी खासी फिनिशिंग पारी खेलनी होगी, जहां पहले टी20 महामुकाबले में ना तो गेंद ना ही हुआ बल्ले से चल पाए थे, जहां गेंदबाजी में उन्होंने विकेट 1 लिया था जबकि बल्लेबाजी में 19 रन पर आउट हो गए थे। ऐसे में अभी जरूरत है कि वह फिनिश करते हुए भारतीय टीम की तरफ से दिखाई दें। 7वें स्थान पर आपको कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर गेंदबाज हैं और राहुल द्रविड़ के फेवरेट माने जाते हैं, जहां पर इस दौरे पर कुलदीप यादव बेहद ज्यादा सफल साबित हुए थे। हालांकि पहले टी20 महामुकाबले में उन्होंने ज्यादा शानदार गेंदबाजी
नहीं की थी, मगर दूसरे टी20 में उनकी गेंदबाजी गुयाना के मैदान पर कमाल ढा सकती है। पिछले माह मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से 2 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल को 8वें स्थान के लिए शामिल किया गया है, जहां युजवेंद्र चहल बेहद ही शानदार खिलाड़ी है और अपनी शानदार लेग स्पिन से सभी को चौंका सकते हैं। पिछले माह मुकाबले में एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को बिखेरने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था। इसके अलावा 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर 3 घातक तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां 9वें स्थान पर आपको अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। पिछले माह मुकाबले में अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की तरफ से सबसे महंगे साबित हुए थे, हालांकि उन्हें अपने स्पेल के दौरान 4 ओवर में 31 रन लौटाए थे 7 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के रेट से, मगर 2 विकेट लेने में सफल हो पाए थे। ऐसे में दूसरे माह मुकाबले में अगर वह रन रेट पर काबू पाते हैं तो भारतीय टीम के लिए तड़पका एक का साबित होने वाले हैं। 10वें स्थान पर आपको मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। पिछले माह मुकाबले में उन्होंने 3 ओवर में 24 रन दिए थे और 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी। उनको कोई विकेट नहीं मिला था, मगर इससे पहले खेली गई वनडे श्रृंखला में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके विकेट चटकाए हैं। तो ऐसे में दूसरे टी20 महा मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से वह अच्छे से विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं और गुयाना के पिच पर तेज गेंदबाजों को सपोर्ट भी मिलने वाली है। 11वें स्थान पर आपको भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की वापसी होते हुए दिखाई देने वाली है, जहां पर उमरान मलिक 150 से भी तेज गति की गेंदबाजी करने में सक्षम माने जाते हैं और दूसरे टी20 महा मुकाबले में भारतीय टीम को विकेट लेने की भी जरूरत है और ऐसे में एक ऐसा गेम चेंजर होना चाहिए जो अपनी गति से भी किसी को परेशान कर सके, तो उमरान मलिक इसके लिए तैयार है। वहीं पर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने पिछले महा मुकाबले के प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को रेस्ट पर बिठा दिया है, क्योंकि ना तो गेंदबाजी ना ही बल्लेबाजी उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। 11 की इकोनॉमी से उन्हें रन लुटाए थे, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि उनको बाहर किया जाएगा, तो यही राहुल द्रविड़ ने किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और द्रविड़ के द्वारा घोषित की गई इस खतरनाक प्लेइंग 11 में क्या भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।